जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव रक्षा स्तोत्रम हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। विनियोग। अस्य श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषि श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिव रक्षा स्तोत्रम जपे विनियोगः। मूल पाठ। चरितम देव देवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। अर्थात देवाधिदेव भगवान शंकर का यह चरित्र परम पवित्र, अपार अत्यंत उदार एवं चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। गौरी विनायकोपेतम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवम ध्यात्वा दशभुजम शिवरक्षाम पठे नरह। अर्थात पांच मुख वाले, तीन नेत्र वाले, दस भुजाओं वाले शिव जी का गौरी और विनायक जी के साथ ध्यान करके साधक पुरुष को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगाधर शिरह पातु भाल मर्धेन्दु शेखरह नैनो मदन ध्वंसी करने सर्पी विभूषण। अर्थात गंगाधर शिव मेरे सिर की, अर्धचंद्रधारी मेरे कपाल की, कामदेव को भस्म करने वाले अर्थात मदन ध्वंसी मेरे दोनों नेत्रों की, तथा सांप का आभूषण धारण करने वाले मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ग्राणम पातु पुरारार्ती मुखम पातु जगतपति जीवाम वागीश्वरः पातु कंधरम शिति कंधरः। अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने वाले मेरे नाक की, जगतपति मेरे मुख की, वागीश्वर मेरी जीवा की, शिति कंधर मेरी ग्रीवा की रक्षा करें। श्री कंठ पातु मे कंठम स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकघृक। अर्थात मेरे कंठ की श्रीकंठ, मेरे दोनों कंधों की विश्वधुरंधर, भूभार संहर्ता मेरे दोनों भुजाओं की, तथा पिनाक घृक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। हृदयम शंकरम पातु जठरम गिरिजापति नाभिम मृत्युंजयः पातु काटी व्याघ्र जिनाम्बरः। अर्थात शंकर जी मेरे हृदय की, गिरिजापति पेट की, मृत्युंजय नाभ की, तथा व्याघ्र जिनाम्बर मेरी कट की रक्षा करें। सक्थिनी पातु दीनार्थ शरणागत वत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। अर्थात दीनार्थ शरणागत वत्सल मेरी समस्त हड्डियों की, महेश्वर मेरे उरु की, तथा जगदीश्वर मेरे जानु की रक्षा करें। जंघे पातु जगतकर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदाशिवः। अर्थात मेरे दोनों जांघों की जगतकर्ता, दोनों घुटनों की गणाधिप, मेरे दोनों पैरों की करुणा सिंधु, तथा मेरे सारे अंगों की सदाशिव रक्षा करें। फल श्रुति। एताम शिव बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स भुक्त्वा सकलान कामान शिव सायुज्य माप्नुयात। अर्थात जो साधक शिव बल से युक्त होकर इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे अंत में शिव सायुज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ग्रह भूत पिशाचाद्य स्त्रैलोके विचरन्तिये दरदाशु पलायन्ते शिव नामाभिरक्षणात्। अर्थात इस त्रिलोकी में जितने भी ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे मात्र इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ से तत्काल दूर भाग जाते हैं। अभयंकर नामेदम कवचम पार्वती पते भक्त्या विभर्ति यह कंठे तस्य वश्यम जगत्रयम्। अर्थात जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वती पति शंकर के अभयंकर नामक कवच को अपने कंठ में धारण करते हैं, तीनों लोक उनके वशीभूत हो जाते हैं। इमाम नारायण स्वप्ने शिव रक्षाम यथा दिशत
प्रातरुत्थाय योगींद्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत। अर्थात जिस प्रकार भगवान नारायण ने स्वप्न में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस कवच का उपदेश दिया था, उसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने उसे प्रातः काल उठकर लिख लिया था। इति श्री याज्ञवल्क्य कृतम शिव रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। नमो नारायण।